हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मंजू चौधरी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ स्पिरिचुअलिटी हेल्थ एंड इनर वैल्यूज अकेडमी। मैं डॉक्टर होने के साथ साथ एक स्पिरिचुअल काउंसलर भी हूँ एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ कोरोना वायरस। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज हम सब COVID-19 पेंडेमिक के मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और ये बात भी सत्य है कि हर तरफ डर और चिंता का माहौल है। सभी लोग डरे और सहमे हुए हैं और अभी तक इस बीमारी का कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है और ना ही इसकी अभी तक कोई वैक्सीन आई है। लेकिन अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और कुछ प्रिकॉशंस लें तो डेफिनेटली इस बीमारी से बचा जा सकता है। सबसे पहला तरीका है साफ सफाई का ध्यान रखना। ये कोरोना वायरस जो है ये ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैलता है। अगर ये ड्रॉपलेट्स सरफेस के टच में आते हैं या डायरेक्ट हमारे टच में आते हैं तो ये इन्फेक्शन होता है। अगर हम हाथों को बार बार साबुन पानी से धोते रहें और गंदे हाथों को मुंह, नाक और आंखों को टच ना करें तो इस बीमारी से काफी हद तक बचा जा सकता है। इसके साथ साथ हमें मास्क का प्रयोग भी अवश्य करना चाहिए। कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। COVID-19 पेंडेमिक से फाइट बैक करने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए हमें विटामिन सी से भरपूर चीजों का सेवन करना चाहिए, जैसे मौसमी, संतरा, नींबू। नींबू को हम गुनगुने पानी में डालकर दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं। इसके अलावा आंवला भी विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। इसको अगर कोई कच्चा नहीं खाया जा सकता तो इसको चूर्ण के रूप में या मुरब्बे के रूप में भी हम सेवन कर सकते हैं। इसके साथ साथ च्यवनप्राश का प्रयोग करना भी बहुत फायदेमंद होता है। च्यवनप्राश ना केवल हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है बल्कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। हमारी सुरक्षा हमारे ही हाथों में है। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए हम बहुत सारी ऐसी चीजों का उपयोग कर सकते हैं जो कि हमारे घर में इजीली अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, हम हल्दी, अदरक और दालचीनी को पानी में बॉयल करके हर्बल टी के रूप में ले सकते हैं। इसके अलावा तुलसी, सौंठ, काली मिर्च, मुलट्ठी, लौंग, बड़ी इलायची, मुनक्का आदि को पानी में बॉयल करके काढ़े के फॉर्म में भी ले सकते हैं। ये तमाम चीजें हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती हैं और इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा रात को हम गर्म दूध में थोड़ी हल्दी डालकर भी सेवन कर सकते हैं। दूध जो है वो हमारी बॉडी को नरिश करता है और हल्दी जो है वो एंटीवायरल का काम करती है। हल्दी वाले गर्म दूध को बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर कहा गया है और ये बेस्ट एंटीवायरल भी है। कोरोना का वायरस जो है वो हमारे गले में खराश करके 3 से 4 दिन तक हमारे गले में रहता है। इसलिए थोड़े पानी में, गर्म पानी में, गुनगुने पानी में थोड़ा हल्दी और थोड़ी नमक डालकर हम उसे गरारे भी कर सकते हैं। हल्दी जो है वो एंटीवायरल का काम करती है और नमक एंटीबैक्टीरियल का काम करता है और कोरोना के वायरस से लड़ने में हमारे हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमें ठंडी चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स या ठंडा पानी है। और जहां तक हो सके बाहर के खाने से हमें परहेज करना चाहिए और अपने घर पर बने हुए ताजे भोजन और सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। और अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए थोड़े थोड़े अंतराल पर हमें पानी भी पीते रहना चाहिए। इसके अलावा अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें अपने रूटीन में फिजिकल एक्टिविटीज को भी शामिल करना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटीज और एक्सरसाइज ना केवल हमारे एयरवे के पैसेज को क्लियर करती हैं बल्कि हमारे लंग्स को भी मजबूत बनाती हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमें घर पर ही कुछ योगासन, प्राणायाम और मेडिटेशन करते रहना चाहिए। ये सब चीजें हमारे मेंटल स्ट्रेस को कम करते हैं और इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं। इसलिए फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना भी बहुत आवश्यक है। हमें पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, हमें अपना पेशेंस बनाए रखना है और नेगेटिविटी को खत्म करके हमें पॉजिटिव बने रहना है, क्योंकि नेगेटिविटी भी इम्यून सिस्टम को वीक करती है। और सबसे जरूरी बात, अगर मन में कोई भी चिंता हो, कोई भी दुविधा हो, कोई स्ट्रेस हो, कोई परेशानी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अंत में कुछ स्वरचित पंक्तियों के साथ मैं इस टॉपिक को खत्म करना चाहूंगी। सोचा ना था कि ऐसा भी वक्त आएगा, सोचा ना था कि ऐसा भी वक्त आएगा, एक दूसरे से मिलना इतना मुश्किल हो जाएगा,
अब तो फोन पर ही करनी होगी सारी बातें, ऑनलाइन ही होंगी सारी मुलाकातें, पर दिलों में ना लाना तुम फासले और चलना सदा तुम मुस्कुरा के, तो ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा, ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। सो प्लीज बी पॉजिटिव, बी सेफ। थैंक यू।